रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी, हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है, वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा वह उसे मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा, तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर आती रहती हैं, और हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। जय हिंद दोस्तों।